नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसमें देखेंगे आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लास 10th में रसायन विज्ञान चैप्टर जो चल रहा था हमारा, रसायन विज्ञान में प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार परीक्षा में अक्सर जाता है, परीक्षा में जरूर जरूर पूछा जाता है प्लास्टर पे पीओपी, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे और आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, जिससे आपको आसानी से समझ में आए और आप आसानी से अभ्यास कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका रासायनिक नाम पीओपी का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र पहले, रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र, पहले सूत्र ले लेते हैं क्या होता है इसका। तो रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या होता है, CaSO4 क्या होता है, CaSO4 into 2H2O, ये हो गया रासायनिक नाम, सॉरी सूत्र हो गया। और रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम क्या होता है बताइए, रासायनिक नाम क्या होता है लिखा है, जिससे रासायनिक सूत्र CaSO4 और लिखा हुआ है CaSO4 हाफ H2O लिख दें या 2H2O भी इसको कहते हैं, या यहां पर इसका लिख देते हैं हाफ H2O लिख दें, ज्यादा सही रहेगा, आसानी से अभिक्रियाओं में करने में भी दिक्कत नहीं रहेगी। हाफ H2O CaSO4 हाफ H2O, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट हिमीहाइड्रेट, हिमीहाइड्रेट हाइड्रेट, ये होता है इसका है रासायनिक नाम होता है। तो इसके बाद देखेंगे बनाने की इसकी विधि। तो बनाने की विधि में हम कैल्शियम सल्फेट जो होता है यानी पीओपी होता है, इसको गर्म करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बनाने की विधि, पीओपी बनाने की विधि, पीओपी बनाने की विधि कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि, तो पीओपी बनाने की विधि या बनाने की विधि में अब हमें करना क्या है, CaSO4 into half H2O, तो CaSO4 half H2O को हम आसानी से क्या कहें, CaSO4 2H2O, CaSO4 लिखेंगे CaSO4 into 2H2O, 2H2O, इसको क्या करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, तो बनेगा हमारा CaSO4 into half H2O। ये तो फार्मूला वाले सूत्र एक होता है CaSO4 half H2O और इसके साथ में देखेंगे प्लस H2O। अब देखिए बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करेंगे CA हमारा लिखा हुआ CA हो गया, SO4 हो गया, यहां पर हाफ H2O ने आधा जल लगा हुआ है और यहां पर जल कितना था 2, तो यहां पर क्या लगा देंगे 1/2, या इसको लिख सकते हैं 3/2, 3/2 H2O भी लिख सकते हैं, यानी कि 3/2 H2O अर्थात ये हमारा डेढ़ पानी ये हो गया और आधा पानी मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2H2O हो जाएगा, कि बैलेंसिंग जो हमारी है वो सही है। ये हमारा क्या है, कैल्शियम हिमीहाइड्रेट, कैल्शियम हिमीहाइड्रेट, कैल्शियम हिमीहाइड्रेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो पीओपी प्राप्त होगा। देख लेंगे हिंदी क्या इसकी लिखेंगे, जो भाषा होगी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लिखेंगे कैल्शियम हेमीहाइड्रेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर पीओपी प्राप्त होता है। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, सूत्र होता है CaSO4.HF2O, तो ये इसका फार्मूला हो गया। इसके बाद में इसी के आगे देखेंगे इसके गुणधर्म, ये इसको जिप्सम भी कहते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है जिप्सम का CaSO4.2H2O। तो देखेंगे इसके आगे ऊष्मा का प्रभाव रासायनिक गुणधर्म में, सॉरी ये तो भौतिक गुण पड़ा हुआ है, भौतिक गुण देखेंगे, तो भौतिक गुणों में फर्स्ट नंबर लिखेंगे भौतिक गुण या गुणधर्म, पहले लिखेंगे गुणधर्म, नंबर फर्स्ट हेडिंग होगी भौतिक गुणधर्म, भ
भौतिक गुण। तो देखिए भौतिक गुण या कैसा पदार्थ होता है, यह सफेद ठोस पदार्थ होता है। नंबर फर्स्ट, यह सफेद ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है। नंबर दो, या जल के साथ पीओपी को जब लगाते हैं, दीवारों में लगाया जाता है या प्लास्टिक से हाथ टूट जाता है तब यूज किया जाता है, इसका प्रयोग आता है। तो या क्या लिखेंगे, सफेद ठोस पदार्थ होता है। नंबर दो लिखेंगे, या जल में, या जल में अल्प विलेय होता है, जल में अल्प विलेय होता है, विलेय होता है। ये हो गया। इसके बाद में देखो, ये सफेद ठोस पदार्थ या जल में अल्प विलेय होता है। इसके बाद में देखेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण देखेंगे क्या होते हैं, ये तो भौतिक गुण हो गया, अब रासायनिक गुण देखते हैं क्या है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में नंबर फर्स्ट, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का प्रभाव देखेंगे, ऊष्मा के प्रभाव में क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 से, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CSO4 हाफ H2O को 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, यानी कि 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो बनता है कि निर्जल कैल्शियम सल्फेट, और जब इसी को 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यानी अपघटन करते हैं तो ये बनता है CSO, यानी CO कैल्शियम ऑक्साइड या सल्फर बन जाता है। तो देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव है, तो अभिक्रिया क्या लिखेंगे, लिखेंगे CSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। ये तो सभी को पता है पीओपी होता है। अब हमने अभी क्या बताया था, CaSO4 को क्या करना है, गर्म करना है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करना है, गर्म करना है। तो जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट या निर्जल कैल्शियम सल्फेट बनता है, क्या बनेगा, निर्जल कैल्शियम सल्फेट। देखेंगे CSO4 और पानी होगा जो बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा 1/2 H2O, यानी हाफ H2O दिया है कैल्शियम सल्फेट, तो निकल जाएगा 1/2 H2O निर्जल कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद में अगर कैल्शियम सल्फेट का यानी कि इसी का CSO4 को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ताप पर हम गर्म करेंगे तो हमें बनेगा CaO, देखेंगे CaOSO4 को 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर या अपघटन करने पर, इसका अपघटन कैल्शियम सल्फेट का, निर्जल कैल्शियम सल्फेट, नाम इसका निर्जल कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, निर्जल कैल्शियम सल्फेट को का अपघटन करेंगे तो बनेगा CaO, CaO+SO2। देखेंगे CaO+SO2 और इसमें बच क्या रहा है हमारे पास, दो, तो हम यहां पर लगा देंगे CO2 भी निकाल देंगे, CO2। अब यहां पर जो बैलेंस करेंगे CA एक है तो CA हो गया, S हमारा एक है तो S हो गया। अब यहां पर CO2 उधर निकल गया, यहां पर O के कितने हैं, चार है, तो एक ये, दो ये, तीन, तीन दो पांच है, तो यहां पर लगाएंगे दो, जब दो लगा देंगे तो CA हमारा कितना हो जाएगा, दो, 2CaO। अब देखें 2CaO हो जाएगा, SO2 कितने हैं पर, S कितने हैं, दो, तो दो S लगा देंगे तो हो जाएंगे O कितने, दो दुनी चार, चार दो छह, चार दुनी आठ, या फिर यहां पर O2 निकल जाएगा, सीधे O2 गैस निकाल दो, ऑक्सीजन गैस, CO2 नहीं निकलेगा, O2 गैस निकल जाएगा। देखो बैलेंस कर लो, 2CA O कितने हो गए, चार दुनी आठ, तो दो ये O हो गए, दो दुनी चार, चार दो छह और छह दो आठ, S कितने हैं, दो, तो S कितने हो गए, दो। इस प्रकार से बैलेंस ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बेट और ये सोडियम सल्फर हो गया, ये ऑक्सीजन गैस निकल गई। तो इस प्रकार से ये हमारे पास जो थे ऊष्मा का प्रभाव था, तो ऊष्मा का प्रभाव
आसानी से कर लेंगे। लिखेंगे भाषा क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड 200 से या 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट और जल प्राप्त होता है। दूसरी बार में क्या लिखेंगे, उसी के आगे लिखेंगे, लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट का जल अपघटन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपघटन करने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड टू CO सॉरी SO2 और O2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर यानी सल्फर जो मिल जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और SO2 गैस यानी O2 गैस मिल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में आगे जल ऊष्मा का प्रभाव हो गया, इसके बाद जल के साथ अभिक्रिया देखेंगे, तो ये रफ कर देते हैं जल के साथ अभिक्रिया। दूसरा नंबर है जल के साथ अभिक्रिया, तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जिप्सम प्राप्त होता है, जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जिप्सम प्राप्त होता है। देखेंगे नंबर सेकंड जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया तो क्या प्राप्त होगा, जिप्सम प्राप्त होता है। जल के साथ में CaSO4 हाफ H2O प्लस क्या हो जाएगा जल, जल के साथ जैसे ही क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां पर कितने दिए आधा ये और एक ये, तो कितना दिया है डेढ़। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है CA यहां लिखते हैं इसके नीचे CaSO4 .2H2O तो देखो CaSO4 अब यहां पर कितने एक, तो यहां पर क्या लगाते हैं एक सही एक बटे दो, तो ये हो जाए डेढ़ और आधा ये, तो कितने हो जाएंगे दो, तो इतना प्राप्त होगा CaSO4 .2H2O ये होता है जिप्सम, जिप्सम का ध्यान रखें। फिर से भाषा क्या लिखेंगे सोडियम पीओपी को यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने पर जिप्सम प्राप्त होता है या कैल्शियम या जिप्सम प्राप्त होता है, सीधे लिखेंगे जिप्सम प्राप्त होता है। तो ये तो सभी पता है ये पीओपी हो गया, जल हो गया और ये जिप्सम हो गया, तो जल के साथ अभिक्रिया हो गई। इसके बाद में पढ़ते हैं इसके उपयोग क्या होते हैं, जल के साथ में क्रिया किसी बहुत सी अभिक्रिया कराई जा सकती है इसी के साथ में। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस कहता तो आप आसानी पहले अभिक्रिया करें उसके बाद में जैसे जैसे अभिक्रिया करें उसी प्रकार से उसकी लैंग्वेज को लिख लें। तो उपयोग अभी सभी को पता है, उपयोग इसके होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हाथ पैर टूट जाता है तो उसको जोड़ने में सहायता करता है, दीवारों में क्या किया जाता है प्लास्टर किया पहले जो चिकनाई लाने के लिए किया जाता है, और इसके बाद में अन्य बहुत से आते हैं जिसमें हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो अब देखेंगे उपयोग इसके क्या क्या होते हैं। हाँ तो देखेंगे इसका उपयोग कहां पर होता है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, जैसे हाथ जब टूट जाता है तो प्लास्टर चढ़ाने में सबसे लगाया जाता है वो क्या होता है पीओपी होता है, ताकि हाथ को जैसे आप यहां से टूटा हुआ है यहां पर लगा दिया जाता है ताकि हाथ को आप टेढ़ा ना करें, टेढ़ा होगा तो दिक्कत करेगा, तो उसको जाता है कि टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है मूर्तियां बनाने में, मूर्तियां खिलौने जो मिट्टी के आते हैं, दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है, जो दांत वाले होते हैं उनको प्लास्टर पे जो होता है वो बनाते हैं दांतों का जिसे बनाते हैं। इसका उपयोग दीवारों को चिकना बनाने में, दीवारें होती हैं दीवारों पर प्लास्टर होने के बाद यानी सीमेंट और से जो होता है प्लास्टर होने के बाद उसके ऊपर से व्हाइट लगाया जाता है, ये पीओपी लगाने के बाद दीवारों को चिकना किया जाता है, तो उसके उपयोग में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप प्लास्टर पे ध्यान रखिएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पीओपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में यानी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे आसानी से।